हेलो दोस्तों, का फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों, ये वीडियो मेरा लाने का कोई मोटिव नहीं था। मैं आपको बता दूं यहां पर कि जो भी हाईफाई स्टडी के साथ होता है वो आपके साथ शेयर करना, क्योंकि ये आपका है, ये आपका परिवार है। तो अगर घर में कोई छोटी सी बात होती है, बड़ी सी बात होती है, तो उसको परिवार के साथ जरूर से जरूर शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पर भी आप लोग अपने अध्यक्ष यानी प्रदेश अध्यक्ष जो आपके हैं, जिनको आप लोग बहुत बड़ा मानते हो कि हाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, 23 तारीख को इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो मैं सारा आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर कि इनका क्या काम हो रहा है। हाईफाई स्टडी को इनकी तरफ से धमकी दी गई है, ठीक है ना, मुझे सेंड करवा के किसके माध्यम से सेंड किया गया है वो सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा दोस्तों, ठीक है। प्रदेश अध्यक्ष, अभी आपको एक वीडियो मिला था जिसमें मैंने प्रदेश अध्यक्ष के बारे में आपको बताया भी था कि हाँ ये क्या है और कैसे हैं और इन्होंने ट्वीट किया है या नहीं किया है, तो उसका भी लाइव प्रूफ भी आपको यहाँ पर मैं आज के वीडियो में दिखाने वाला हूँ। 2019 बैट प्रमोट मुद्दे को लेकर के जब मैंने आवाज़ उठाई थी, तो शायद कहीं ना कहीं इन्होंने मेरी आवाज़ को दबाने की पूरी कोशिश की, ठीक है ना, पूरी की पूरी कोशिश की। तो आप लोग के भी साथ ये शेयर करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये एक छोटा सा मैटर ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ा सा भी मैटर है, क्योंकि अभी मैं कुछ भी अगर कर रहा हूँ तो 2019 बैच के लिए कर रहा हूँ, लेकिन ये अध्यक्ष होकर के 2019 बैच के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर इनकी तरफ से यानी अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर रविकांत द्विवेदी नाम सुना होगा आप लोगों ने, रविकांत द्विवेदी, ठीक है ना, रविकांत द्विवेदी की तरफ से यहाँ पर एक लेटर मुझे भिजवाया गया कि आपके ऊपर केस हो गया है, ठीक है ना, इन्होंने मेरे ऊपर केस किया है, आई डोंट नो क्या है। यहाँ पर 25 तारीख को दोस्तों, यहाँ पर 25 तारीख को सुबह क्या ये है, और इसमें मैंने प्रदेश अध्यक्ष दोनों के बारे में आपको बताया था, एक तो मैंने प्रभात जी के बारे में बताया था और रविकांत द्विवेदी के बारे में बताया था। प्रभात जी की तरफ से मेरे पास आया कि सर ऐसा क्या हुआ है, क्यों ऐसा किया आपने, तो मैंने कहा ठीक है, अगर कोई दिक्कत है आपको तो मैं वीडियो डिलीट कर देता हूँ, तो वीडियो उनके कहने पर मैंने डिलीट भी कर दिया, ठीक है ना, वीडियो डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर इन्होंने दोस्तों ये लिखा है कि हाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल संगठन प्रदेश अध्यक्ष जी के ऊपर अपने यूट्यूब चैनल वीडियो लिंक इतने 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 के माध्यम से टिप्पणी के संबंध में, महोदय आज प्रातः यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी पर लिंक इतने 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 के द्वारा वीडियो को अपलोड किया गया, जिसके द्वारा संगठन की प्रामाणिकता तथा वैधता पर आरोप लगाया गया है और तथा प्रदेश अध्यक्ष रविकांत द्विवेदी जी के ऊपर पर भी बहुत ही अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया गया है। वो आप लोगों ने सुना होगा कि मैंने क्या प्रयोग किया था, आप द्वारा किया गया यह कार्य एक रजिस्टर संगठन की अस्मिता तथा प्रदेश अध्यक्ष की छवि को धूमिल किए जाने को कुष्ठित प्रयास मालूम पड़ता है, अतः आप यह स्पष्ट करने का कष्ट करें कि आप पर संगठन द्वारा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 500 के तहत मानहानि की प्राथमिकी क्यों ना दर्ज करवाई जाए। उपरोक्त प्रकरण पर आप द्वारा अग्रिम 3 दिनों में स्पष्टीकरण दिए जाने की अपेक्षा किया जाता है। यहाँ पर सोशल मीडिया प्रभारी, सोशल मीडिया आई डोंट नो देवेश सिंह से मेरी बात हुई थी, ठीक है ना, देवेश सिंह से मेरी बात हो गई थी, और ये मतलब बहुत ही बेस्ट आदमी है, कहने का मतलब ये है, बहुत ही सज्जन, बहुत ही बेहतरीन आदमी है, इनसे बात करने का तरीके के से मुझे पता चला। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, डराने धमकाने की कोशिश है, कहने का मतलब ये समझ लीजिए, सीधी सी बात है। देखिए, मैं सीधी बात ये करना चाहता हूँ कि ये YouTube चैनल मेरा कोई ऐसा नहीं है कि हाँ इससे मेरा घर चलता है, ठीक है ना, इससे मेरा घर चलता है। और मैं एक और बात क्लियर किए दे रहा हूँ कि अगर बाय द वे प्रदेश अध्यक्ष मेरे साथ कुछ भी करते हैं, ठीक है ना, वगैरह वगैरह, अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो सारा कुछ इन्हीं का हाथ होना चाहिए, ठीक है ना, इन्हीं का हाथ होगा। मैं आज आपको क्लियर किए दे रहा हूँ, अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ रविकांत द्विवेदी जी का होगा, ठीक है। और यहाँ पर बात मैं अगर ये करूँ कि अगर आप बाय द वे आज मेरे साथ कुछ करते हो तो आगे आप अपने बारे में भी सोच लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरा भी एक परिवार है, मेरे फैमिली भी बहुत बड़ी है, और आई थिंक आपको पता होगा, मैं बताना बिल्कुल नहीं चाहूँगा, ठीक है, अपने बारे में, तो ये सब छोड़िए फिलहाल के लिए, ये है पूरा का सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अभी क्या है कि अभी कल के दिन ट्वीट आया हुआ है, प्रभात जी का ट्वीट आया हुआ है, प्रभात जी का, तो यहाँ पर उन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की कोशिश की, तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की पूरी कोशिश की। यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि 27 मई प्रमोट मुद्दे में सभी ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें एवं अकाउंट में ट्वीट लिमिट खत्म ना हो इसका भी ध्यान रखें एवं रीट्वीट ज़्यादा से ज़्यादा करें, मेरे द्वारा जो भी सहयोग दिया जाएगा वो आप सभी के लिए, ठीक है। और यहाँ पर रविकांत द्विवेदी जी का जो अकाउंट है दोस्तों, वो दो अकाउंट है, सबसे पहला अकाउंट दोस्तों ये है, इसके माध्यम से 23 तारीख को कोई भी ट्वीट नहीं किया गया, इसके माध्यम से 23 तारीख को कोई भी ट्वीट नहीं किया गया है,
और इसके ऊपर मैंने आपको वीडियो भी दिया था। तो यहाँ पर दोस्तों चलिए मान लेते हैं ये अकाउंट बंद हो गया। दूसरा अकाउंट दोस्तों यहाँ पर 49 फॉलोअर, 4 फॉलोइंग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो साफ शब्दों में यहाँ पर 7 ट्वीट लिखा हुआ है। इन्होंने ये कहा है कि मैंने ट्वीट किया था। तो यहाँ आप लोग रविकांत वाले ऑप्शन पे जाके आप देख सकते हो यहाँ पर जो इन्होंने ट्वीट किया था ये शाम के 5 बजे इनका ट्वीट आया था, 5:05 पे इनका ट्वीट ये आया था। और जबकि आपको पता है कि ट्रेंड ये 12 बजे ही ट्रेंड हो गया था, जब मुद्दा हमारा 12 बजे ट्रेंड हो गया था और 5 बजे पहुंचते पहुंचते 3 लाख प्लस ट्वीट हो गए थे, तब इनको पता चला कि हाँ हो सकता है कि प्रशिक्षुओं को दिखाने के लिए इन्होंने ट्वीट किया। देखिए सीधे शब्दों में मैं कहूँगा प्रशिक्षुओं को दिखाने के लिए ट्वीट किया गया है। अगर आप इतना ही ट्वीट करना चाहते तो आप एक काम कर सकते थे, आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर ट्वीट करना चाहते तो आप जाके सुबह 11 बजे से ही ट्वीट करना स्टार्ट कर देते। और यहाँ पर आप देख सकते हो इनका सिर्फ मात्र ट्वीट की संख्या आप ऊपर देख सकते हो 7 ट्वीट हैं, दिन में से इनके और भी ट्वीट हैं। जो डीएलएड प्रमोट से रिलेटेड जो ट्वीट थे 5 बजे, वो इनका सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 ट्वीट था, एक दो ट्वीट था और एक दो रीट्वीट था। ठीक है ना, पूरे टोटल ट्वीट 7 थे जिसमें से सिर्फ डीएलएड से रिलेटेड जो ट्वीट थे वो इनकी आईडी पे मात्र 3 ट्वीट थे। तो जब एक आम प्रशिक्षु ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कर सकता है तो रविकांत द्विवेदी प्रदेश अध्यक्ष होते हुए और ये ट्वीट ज़्यादा ज़्यादा क्यों नहीं कर पाए, जबकि जब एक आम प्रशिक्षु ज़्यादा ज़्यादा ट्वीट कर सकता है तो एक प्रदेश अध्यक्ष को कम से कम 1000 ट्वीट प्लस करने चाहिए। मैं खुद आपको बताता हूँ, मैं खुद हाइफा स्टडी की तरफ से दोस्तों 38,000 ट्वीट किए गए हैं, हाइफा स्टडी की तरफ से 38,000 ट्वीट किए गए हैं। और अगर जिस दिन प्रूफ दिखाने की बात आएगी उस दिन मैं प्रूफ भी दिखा दूंगा कि 38,000 ट्वीट मैंने किए। आप जाके हाइफा स्टडी खोल के देख लीजिएगा, वहां पर आपको 1000+ ट्वीट मिलेगा यार, डीएलएड का 1000+ ट्वीट मिलेगा, कितने सारे रिट्वीट मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हो इनकी नीचता जो है, वो नीचता ही मैं इसको कहूँगा, क्योंकि नीचता ही समझ लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आगे इन्होंने काम भी नहीं किया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ पेपर में निकलवाने के, तो यहाँ पर इनको आपको पता होगा दूसरे दिन इनका पेपर में नाम भी आ गया था। अब बताओ 2 ट्वीट करने के बाद इनका नाम पेपर में आ जाता है पूरा प्रदेश अध्यक्ष लिख करके, और जिस प्रशिक्षुओं ने, अभी मैं आपको एक नाम बताता हूँ, गिरिराज सिंह का नाम आपको पता होगा। अगर 23 तारीख मुद्दे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबसे बड़ा योगदान उनकी टीम का था, गिरिराज सिंह की टीम का था, या गिरिराज सिंह का, मैं सिर्फ और सिर्फ टीम नहीं, उनका गिरिराज सिंह ही को बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारा सहयोग दिया उसमें, और उनका नाम जो था वो नाम लेने के बिल्कुल चक्कर में, उन्होंने एक भी तक कह दिया था कि कोई भी मेरा पेपर में नाम नहीं छपवाएगा। और यहाँ पर मात्र आते हैं कुछ लोग, 2 ट्वीट करके चले जाते हैं और उसमें अपना नाम बाकायदा प्रदेश अध्यक्ष लिखा के चले जाते हैं। ये क्या है, दो ट्वीट यहाँ पर यार प्रूफ भी है, ये देख सकते हैं आप लोग ना, 7 ट्वीट दिया गया यहाँ पर, सिर्फ 7 ट्वीट है। और यहाँ पर फिलहाल के लिए आपके परिवार हाइफा स्टडी पर भी ये कुछ आप मेरे पास पीडीएफ भिजवा देते हैं कि हाँ आपके पास ये कर दिया गया, ये कर दे। देखिए मुझे इन सब चीज़ों से डर नहीं है, मैं फिर आपको क्लियर कह रहा हूँ, 500 के तहत माननीय प्राथमिकता क्यों ना दर्ज कराई गई हो, अगर इस कंडीशन में मुझे 2 साल के लिए जेल भी हो जाती है तो कोई भी दिक्कत मुझे नहीं होगी, खुशी खुशी मैं जेल जाने को तैयार हूँ। मैं आपको फिर से क्लियर कह दे रहा हूँ, खुशी खुशी मैं जेल जाने को तैयार हूँ। और फिर देखिए फिर क्या होता है कि जो बंदा जेल जाता, जेल जाने के बाद जब वो आएगा तो उसका जो माइंड मेकअप है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा और फिर वो कुछ भी कर सकता है, आई डोंट नो। ठीक है, आप समझदार हैं, अच्छे समझदार हैं, काफ़ी लोगों को आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप, ये परिवार मेरा नहीं है, ये परिवार पूरा 2019 बैच का है, पूरा का पूरा परिवार 2019 बैच का है। और अगर इस मुद्दे में, अगर इस मुद्दे में कहीं ना कहीं हाइफा स्टडी के ऊपर कुछ कार्रवाई करने की कोशिश की जाती है, झूठा आरोप या कुछ भी कह लीजिए, तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार जो है वो एक साथ होने के लिए तैयार है, पूरा परिवार एक साथ होने के लिए तैयार है। और इसके बारे में पूरा, देखिए इसके बारे में मुझे पूरा हाइफा स्टडी बताना था, इस वजह से ये वीडियो मैं लेकर के आया हूँ, बाकी कोई मेरा मोटिव नहीं था। देखिए मेरे साथ या हाइफा स्टडी के साथ अगर कुछ भी होता है तो मेरी प्राथमिकता बनती है कि जितने भी साथी हैं उन तक ये बात पहुँचनी जरूर जरूर चाहिए, क्योंकि आप भी अपने प्रदेश अध्यक्ष का रूप देख सकते हो, कैसा इनका रूप है, ठीक है ना। रविकांत द्विवेदी जी का मैं उनके नाम के आगे इज्जत भी करता हूँ, जी लगाऊंगा बिल्कुल भी, रविकांत द्विवेदी जी का मैं पूरा पूरा देख सकते हैं आप लोग कि क्या है उनका मैटर पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए हर एक 2019 बैच प्रशिक्षु के पास, ताकि इस वीडियो के माध्यम से पता चल सके कि हाँ रविकांत द्विवेदी जी ने हाइफा स्टडी के खिलाफ क्या क्या
किया है, ठीक है ना। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।